अरे वाह देख लो भाई, दोनों साइडों से अपन ने यार ये गेट खोल दिया है। भाई बोल रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल सकते हैं। तो यार बहुत वेलकम है तुम्हारा इस मिहिर गलत के नए एपिसोड। भाई तुम देख लो मोस्ट डिमांडेड वीडियो अपने चैनल पे। भाई मैं जानता हूँ भाई, मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, आज तक मेरे चैनल पे वीडियो करीब 70 के आसपास हो गई होगी, ठीक है। और भाई मेरे चैनल पे सबसे डिमांड थी वो किसकी, मारुति 800। सोचो ऑडी मर्सिडीज जैगुआर की डिमांड नहीं थी, किसकी डिमांड थी, 800। और पहली 800 पर लेके आए, कैसी लेके आए, विद बटरफ्लाई डोर। तो भाई आपका नाम क्या है? विपिन नागर भाई अपने साथ है, ठीक है। और विपिन नागर भाई ने जो गाड़ी अपनी बनवा रखी, भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जितने भी भाई फ्लाइंग डोर, बटरफ्लाई डोर, सीजर डोर, ये कुछ नाम है इनके, है ना, मैंने जितने भी ऐसे डोर वाली गाड़ियाँ देखी है ना भाई, उन सब से मुझे ये बहुत अलग क्यों लग रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, जरा वो बताओ आप मुझे। इसके पीछे रीजन है कि हमें कुछ अलग दिखाना था मारुति में। अच्छा, सब अलग करते हैं, हमने सोचा हम भी कुछ अलग करें। अच्छा तो भाई जरा फिर अपना स्टार्टिंग से बताओ कि गाड़ी आपने कब ली थी, फिर हम डोर्स पे आते हैं। हमने भाई गाड़ी 1.5 साल पहले ली थी। 1.5 साल पहले कते खराब थी हमने, यही सुन रहा हूँ इधर गाड़ी बंदे मतलब सेकंड हैंड ही ले रहे हैं इतने शौक के लिए। हाँ शौक के लिए, घर में 4-5 गाड़ी, फिर भी हमने 800 ली। अच्छा, क्योंकि शौक के लिए, फिर इसमें अलाइवली करवाई, इसे पूरी पेंट कराई। हाँ, और प्लस क्या नाम है, फिर इसमें हमने सोचा यार कुछ अलग करें। हाँ हाँ, अपना वैसे कितने की ली थी आपने? ये मैंने उस टाइम ली थी भाई 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये की आपने मारुति 800 ली थी। कौन सा मॉडल है ये? ये भाई 10 मॉडल है, 2010 मॉडल भाई ने 60,000 में लिया। तो भाई इसकी रीसेल वैल्यू तो अच्छी है यार, ये कहाँ 1 लाख में गाड़ियाँ आती थी उस वक्त, और अभी भी इसके अगर 60,000 खर्चने पड़ रहे हैं आपको गाड़ी देने के लिए। भाई मारुति की कीमत बहुत है अब मानोगे नहीं। सही में यार ये बात पता लग रहा है आपके बताने से। हाँ और ठीक है, तो आपने ले ली गाड़ी, ठीक है, कब ली थी वैसे आपने? 1 साल पहले। 1 साल पहले, तो लॉकडाउन के बीच में लिया आपने, लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद लिया आपने, ठीक है। तो लेते ही आपके दिमाग में विजन था कि इस गाड़ी को ऐसा करना है, बस ले ली, चलो अब देखते हैं कैसे। लेते ही मैंने सोचा, फिर इससे पेंट वाले को देखा, पेंट पूरी कर इसकी, मैंने की खिड़की खोल फरारी की तरह, और मजा आना चाहिए फरारी की तरह। भाई देखो ये तो चीज़ भाई बोल रहे हैं ना मुझे कि हाँ खिड़की खोल, मतलब डोर्स खोल के इसको ऐसे करना था, विजन भाई का समझ रहा हूँ, फरारी वाला था। लेकिन भाई इसमें भी ना एक हिडन बात है, वो क्या है, विपिन नागर भाई मुझे बताएंगे। विपिन नागर भाई जरा लोगों को बता दो, लोगों को मजा आने वाला है कि यह आपने काम स्पेशली डोर वाला कितने में करवाया है। स्पेशली डोर ऐसे तो हम बताएंगे नहीं, और क्योंकि फिर हर कोई करने, लेकिन जरा पैसा बता दो, लोगों को उधर ही शौक, लोग दिल पकड़ के बैठ जाएंगे। 5,000 लग गया था इसमें, क्योंकि 100 कलर लगे थे, वो लगा था सेंटिंग के लिए कुछ अलग। देख लो भाई, मतलब लिटरली भाई ने 5,000 बोले, और मैं भाई, मेरे ना बहुत सारे दोस्त है भाई जो कस्टम शॉप वाले जो मॉडिफिकेशंस करते हैं, और मुझे लिटरली इस फ्लाइंग डोर का मामला पता है भाई, अकेला यही चीज़ ना बहुत पैसा ले लेते हैं। तो भाई ये जो आपने करवाया है, ये मतलब मैं क्या समझती, ये जुगाड़ था या फिर प्रॉपर आपने काम करवाया, क्या जरा वो बताओ आप। मैंने प्रॉपर काम कराया कि मैंने सोचा कुछ अलग करें। हाँ, क्योंकि वैसा जो सिस्टम आता था फरारी वरारी का, वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। हाँ, मैंने कुछ सस्ता हो और अच्छा हो। तो मतलब आपने अपनी मारुति को ही सुपर मारुति बना दिया, सुपर मारुति 800। तो आप मुझे, अच्छा वो चीज़ बता रहे थे कि अभी आपने रिसेंटली जब गाड़ी बनवाई, उसका आपने एक रील डाली इंस्टाग्राम पे, हाँ जरा बताओ उसमें कितने व्यूज आए? उसमें 3.5 मिलियन व्यूज आए, देखो, और 2,02,000 लाइक आए। देख लो भाई, मतलब 3.5 मिलियन व्यूज इस गाड़ी पे आए हैं, 2 लाख प्लस लाइक्स आए हैं। तो क्या मैं ये सेम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यूट्यूब वीडियो पे भी? तुम्हें करना है, वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो लाइक मार दो, शेयर मार दो पहले ही, बाकी आओ आगे कंटिन्यू करते हैं। आओ अब जरा दिखाते हैं गाड़ी को, और अब आपके ना उस टेक्निक को दिखाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी फेमस हुई है, ठीक है, ये देख लो भाई। अच्छा भाई मैंने सिंपली इस गाड़ी को देख के बता पा रहा हूँ कि जो काम हुआ है ना, जिस बंदे ने भी किया है उसमें बहुत ज़्यादा ही दिमाग था यार, वो बहुत ही स्मार्ट लौंडा होगा, सॉरी गाइज। लेकिन हाँ क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, इसके पीछे भाई रीज़न ये है, इधर आओ भाई नागर, नागर भाई यहाँ बस आपने एक हाइड्रोलिक लगाया है, इधर आपने ये जोड़ दिया और ये फ्लाइंग डोर बन गई। मतलब भाई ये जिसने भी काम किया है ना यार, लिटरली बता रहा हूँ भाई, उस भाई वो टैलेंटेड बंदा है यार, क्योंकि भाई को पता है कि हाँ इनको चाहिए ही चाहिए वो चीज़। क्यों अपन उतना घुसे उन चीज़ों पे, मतलब होता ना कि किड्स लेके आए, पता नहीं क्या क्या ताम झाम लगाए, भाई ने सिंपल दिमाग लगाया, और ऐसे भी हो सकता है ये भी टिकाऊ है, मतलब प्रॉपर टिकाऊ लग रहा है मुझे। एक बार जरा बंद करके दोबारा खोलना, जरा पब्लिक को दिखाएं, बहुत आसानी से खुल जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है। अरे और मुझे लग रहा है भाई गाड़ी ये जिस तरीके से खोल रही है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मोटे से मोटा बंदा भी सिंपल ऐसे पुड़क बैठ सकता है, मोटे से मोटा तगड़े से तगड़ा बैठ सकता है। अच्छा एक बार जरा पकड़ना, जरा बैठ के देखता हूँ। देखो भाई जरा अपन 800 में ना बैठ के देखते हैं, क्योंकि देखो मुझे पता है मैं ना इतनी छोटी गाड़ी में आ नहीं पाता, लेकिन अब डोर्स की वजह से कितना क्या इफेक्ट पड़ा है, जरा ट्राई करते हैं ना। आओ भाई इधर से लेना, आओ पहले तो अपन इस सीट को पीछे कर लेते हैं, इतनी है, इतनी है,
सही में इतनी है ये फिक्स करा दी क्या आपने? खराब हो रही है। अच्छा खराब हो रही है, तब तो भाई मैं कहाँ आया, मेरे पैर नहीं आएंगे, बैठ तो जाऊंगा मैं। ये देख लो भाई, अपन बैठ तो गए पर वही है कि यार थोड़ा ये फिक्स हो रहा है ना मामला सीट का, तो पीछे नहीं होगी तो अपन ऑफकोर्स उस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे। पर हाँ एक मामला ये कि यार सिंपल बंदा यहाँ से ऐसे बैठेगा, दोनों पैरों को यूं घुमाएगा और बैठ गया। एक बार जरा भाई बैठ के दिखाएंगे, भाई आप बैठो एक बार, कैसे बैठोगे भाई? घुसे सीधा और ये, मतलब मुझे लग रहा है भाई नॉर्मल डोर से ज्यादा अच्छा है यार ये, कंपनी वालों को ऐसे वाले डोर भी निकालने चाहिए। वो फरारी वाली फीलिंग आती है ना, सस्ती फरारी, सस्ती सस्ती मस्ती कर रहे हैं भाई यहाँ पे। अच्छा तो अगर इन डिटेल बात करें भाई, इसमें कितना खर्चा आ गया आपका? मेरा खर्चा समथिंग आ गया इसमें, मैंने 45,000 के तो ऑयल ऑयल सर टेल लगवाए थे और प्लस पूरी तो डेंट पेंट और ये लगा खिड़की करवा के समथिंग मुझे 32,000 रुपये पेंट पेंट के पड़ेगा। और इन टोटल बात करें 1-1.5 लाख से ऊपर हो गया? फिर 1.5 लाख से ऊपर होगा। 1.5 लाख से ऊपर हो गया, ठीक है। तो हमने यार खर्चा तो पूछ लिया, बाकी आओ बेसिक जरा जानते हैं। तो भाई ये जो एलॉय है अपने, ये एलॉय किस कंपनी के हैं कुछ पता है आपको? जी ये कंपनी तो ऐसे मुझे लग रहा है याद नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपने फरारी का स्टिकर लगाया है इसमें, हाँ मतलब आपको फरारी गाड़ी पसंद है पूरी, है जब भी तो फरारी के लिए बनाने के लिए ऐसा। तो वैसे तो भाई मुझे लग रहा है फरारी गाड़ी वैसे नॉर्मल भी ले सकते हो, मतलब इतना भगवान ने दिया है कि हाँ नॉर्मल ले सकते हैं, पर ये है ना छोटी गाड़ी है, इसको जो रिएक्शन आते हैं ना लोगों के देखने में, वो देख के कुछ अलग ही फील होता है। हाँ भाई ये तो यार देखो, मैं चाहता हूँ भाई दोबारा से ना अपने भारत में मारुति 800 का चलन चालू हो जाए, ठीक है। क्योंकि यार इससे पहले मैंने अपने मेन मास्टर बड़े चैनल पे ना हॉटेस्ट मारुति दिखाई थी, वो वीडियो बहुत गई थी, मतलब मुझे इतना पता है कि हाँ जनता को मारुति 800 की मॉडिफिकेशन देखने में ना बहुत मज़ा आता है। जब तक भाई आप लोग काम करवा रहे हो तब तक, अगर आप लोग ही क्रेजी काम नहीं कराओगे तो वो छोटे मोटे एलॉय लगा के लोग बोलेंगे कि यार मॉडिफाई, पर नहीं ये है एक्चुअल। पर भाई मैं देख रहा हूँ मौसम भी यहाँ का ऑरेंज हो रहा है प्रॉपर, यार क्या बात है। ठीक है तो एलॉयज आपको कितने बताए थे आपने? 45,000 के। विद टायर? अच्छा विद टायर चारों का बता रहे हो आप, ओके। कहाँ से करवाया आपने ये? ये मैंने कराया था सेक्टर 16 से। सेक्टर 16 में बहुत अच्छे काम हो रहे। कौन सी दुकान? दुकान तो वो है शेर सिंह भाई का नाम है फिर दुकान? शेर सिंह दुकान भाई का नाम, भाई का नाम मतलब लोग पता लगा सकते हैं शेर सिंह भी, है ना। ठीक है तो एलॉयज और जेड ब्लैक वगैरह भी उधर से ही? हाँ उधर से। डोर्स भी उधर से ही? नहीं डोर्स तो एक हमारे घर के पास ही रहता है, उस लड़के पे कराया था। अच्छा सामने बैठ के मैंने इसको ऐसा ऐसा करना है, उसने जब जाकर दिमाग लगाया एक महीने में ठीक हो गया। ओके तो मुझे लग रहा है भाई आप ये बताओगे नहीं कि यार ये मैंने किससे एक्चुअल में करवाया, क्योंकि वो कोई दुकान वाला बंदा भी नहीं, वो तो अपना दोस्त यार ही हो गया, अपना पर्सनल बंदा, उससे मना कर दिया आप किसी की गाड़ी आए हाँ। उसे ऐसी मत करना। लेकिन भाई आप मुझे कह रहे थे कि यार आपको डर है कि यार ये कॉन्सर्ट बाकी लोग ना चुरा ले, है ना, क्योंकि आपका 1-on-1 यूनिक हो गया पूरे भारत में। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो फ्लाइंग डोर्स बहुत है, केरल में भी है, दिल्ली में मिल जाएंगे आपको, एनसीआर में मिल जाएंगे, पर इस तरीके से नोएडा एनसीआर में नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं है ऐसे, चैलेंज है मुझे। अच्छा चैलेंज है, कोई यदि इस तारीख से पहले दिखा देना हाँ। तो मैं गाड़ी फ्री छोड़ दूंगा। देख लो भाई यहाँ पे फुल चैलेंज दे रहे हैं नोएडा वालों को, ठीक है कि यार अगर तुमने फ्लाइंग डोर ये ऐसा मामला दिखा दिया किसी भी गाड़ी में इस तारीख से पहले। अच्छा इस तारीख से पहले जी, ओके तो मैं गाड़ी फ्री छोड़ दूंगा। फ्री? हाँ इसके बाद अब वो कॉफी करके कुछ भी कर ले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई आप काफी हंसमुख है, वो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जेड ब्लैक आपने करा रही कि भाई आजकल सुनो नोएडा में बहुत दिक्कत होती है जेड ब्लैक फिल्म में, हाँ क्या फिर कैसे बच रहे हो आप? कैसे बच रहे भाई, शौक कर रहे था चलान तो भरने का दिक्कत आ रही है। सही यार मस्त बोला आदमी हूँ। अच्छा तो भाई वैसे मैं देख पा रहा हूँ मारुति 800 के ना बहुत मॉडल निकले थे, तो ये सबसे पुराने वालों में से आता है जी भाई? इसके बम्पर दोनों अगले पिछले बम्पर मैंने ओल्ड मारुति के लिए कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग दिखे। अच्छा तो मतलब आपने बम्पर इसका ओल्ड मारुति वाला लगाया अलग से? अलग से लगाया, अगला पिछला दोनों देख लो। वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि भाई मारुति की तो फर्स्ट जनरेशन थी ना शायद, उसमें ऐसा बम्पर ये ग्रिल भी शायद वैसा ही है। ग्रिल चेंज कराया आपने? अच्छा ग्रिल ऐसा ही है, मतलब बम्पर वगैरह आपने पुराना लगवाया है। ओके तो ये कुछ मामला है, ठीक है। बाकी आओ एक बार जरा हम साइड और पीछे से रुक देते हैं, छोटा बम्पर है। अच्छा तभी यार आपकी गाड़ी ना इतनी यूनिक लग रही है यार, आपने ये सही करवाया, ये जो मारुति 800 का आपने ये पुराने वाले बम्पर जो लगवाया ना ये आपने सही करवाया। हाँ तो ये कहाँ मिल गया आपको, मतलब नॉर्मल शॉप मिल जाते हैं? नहीं भाई मैं दिल्ली से लाया था, करोल बाग से। अच्छा करोल बाग से, ओके ओके। तो ये कौन से वाली मॉडल का बम्पर है ऐसा कुछ पता है? 1990 मॉडल का। भाई देख लो ये 1990 मॉडल वालों का बम्पर है, ठीक है। तो तभी यार तभी मतलब देखने में इतना यूनिक लग रहा है, देख रहे हो मतलब 800 में एक अलग सी बात लग रही है, मतलब ये आपने भाई दिमाग बहुत से लगाया, इसके लिए बहुत वो है आपको। और यहाँ देख लो भाई, भाई ने एज ऑलवेज अपना यार गुर्जर की ब्रांडिंग भी कर रखी है। बोलो जय बाबा की, जय बाबा। आओ भाई जरा अंदर बैठ के देखते हैं, आओ ओ भाई जरा अंदर बैठ के देखते हैं। और अंदर बैठने से पहले मेन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखो
जैसे मुझे इसमें ऐसे घुसना होगा। और अच्छा भाई इस वाली सीट में तो बैठ पा रहा हूँ यार मैं जी भाई, इसमें हैंडल था ना इसलिए। अच्छा अच्छा देखो देखो भाई सिंपल कुछ नहीं करना, ऐसे ये बंद हो गई। हाँ और बस जरा भाई इंग्लिश में मारो, लाइट जल रही है इसमें? नहीं लाइट, लाइट ही जलती तो दिक्कत नहीं होती यार आपको फिर? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो शौक के लिए कर रहा है, कभी कभी निकलते हैं इसे लेके। अच्छा कभी कभी निकलते हो? हाँ जब रील वगैरह या फिर जब ऐसे स्कॉर्पियो कटी है ना सामने। ओके तो तुम देख लो ये भाई की पर्सनल स्कॉर्पियो है, ठीक है, मतलब भाई लोग इसमें ही ट्रैवल करते हैं, वो तो ये बस शौक के लिए है। शौक के लिए भाई, क्या बात है। तो भाई ओए होए जैसे देखो मैंने इसको खोला और खोलते ही मैंने, अच्छा मतलब मुझे कुछ यूं यूं ही नहीं करना, बस यूं किया और ऐसे धक्का दे दो ऊपर की ओर और ये ऐसे टिक गई। हाँ देख लो भाई ये जो आसानी से खुल सके इसलिए किया है, ना तो खिड़की में बजन हो जाता, फिर खोलने में दिक्कत होती, निकलने में दिक्कत होती। नहीं सही बात है। और मैं देख रहा हूँ भाई एक सिंपल हाइड्रोलिक की वजह से क्या जादू हो गया, देख रहे हो भाई मतलब फुल गलत चल रहा है भाई यहाँ पे। बाकी अगर हम फीचर भाई जरा गाड़ी इग्निशन ऑन करो, जरा देखो भाई अब यहाँ पे भाई इग्निशन ऑन करेंगे, करो करो। अच्छा तो भाई ये सब तो इसी वाली मारुति है, ये इसी मारुति का। अच्छा आपको कौन सा मॉडल था? मेरा 2010 मॉडल था। 2010 मॉडल, तो मतलब भाई 2010 मॉडल भी ऐसे ही पुराने वाले जैसे ही लो जी भाई। अच्छा तो तुम देख भाई एक बार ये देख, अच्छा ये देख लो भाई गाड़ी ऑन होती कैसे मूव कर रही है, मतलब इसको हाथ रखना बस साइलेंट हो गई। तो अगर हम बात करें, अच्छा भाई यार देख लो मतलब मैं क्या है कि मॉडिफाइड गाड़ियों की वीडियो बनाता रहता हूँ तो थोड़ा सा ना मतलब अपने को इतनी ओल्ड गाड़ी का मजा वैसे इतनी जल्दी मिल नहीं पाता, ठीक है। तुम देख लो यहाँ पे ये फीचर्स देख रहे हो, ओ भाई ये फीचर्स मिले यार, जो नई गाड़ी फीचर आ रहे हैं आजकल वो कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई ये देखो ये देख लो ठंडा करने के लिए ऐसे एक प्रॉपर कूल हॉट इधर लिखा पड़ा है, ठीक है। और ये तो ऐसे देते हैं, ये देख लो फैन का ये स्पीड एक नंबर दो नंबर तीन नंबर उसके लिए आइए। और एसी प्रॉपर वर्किंग है इसका यार? थोड़ा दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसका जो वो है ना नीचे का वो खराब हो रहा है। क्या नीचे का मतलब कुछ है ऐसा? हाँ कुछ है, कंप्रेसर वगैरह है? कंप्रेसर मतलब तो एसी की हवा ठंडी नहीं आ रही है? हाँ ठंडी नहीं, बस ब्लो कर रहा है, हवा फेंक रहा है। हाँ हवा फेंक रहा है बस खाली। ओके तो ये मामला है। हाँ बाकी ठीक है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये भाई सीएनजी लगवाई थी मैंने अभी जल्दी में। अच्छा सीएनजी का वो बटन है बताने का? अच्छा सीएनजी का बटन है। बाकी इसमें होटर वगैरह नहीं लगवाया? होटर भाई घर पे धरा है, अभी टाइम सा नहीं मिल रहा किसी, उसमें होटर पे लगाएंगे। अच्छा क्योंकि हूटर तो मुझे लगता है ऐसे यूपी में लोग काफी पसंद करते हैं। बाकी ये देख लो यार यहाँ पे ये आदि योगी जी है, बहुत बढ़िया। और स्टीरियो अपना नॉर्मल वही पुराना वाला। बाकी ये देख लो ये कुछ गियर है भाई। मैं तो बोलता हूँ एक काम करो इस गाड़ी को ना, अब देखो मैं तो चला पाऊंगा ही नहीं क्योंकि ये सीट फिक्स हो रखी है, वरना भाई मैं अपने चाय पे ना एक इंप्रेशन देता हूँ, ड्राइव इंप्रेशन मतलब खुद चला के, लेकिन आप चलाओ जरा मैं इसमें बैठ के एक्सपीरियंस आप लोगों को, क्योंकि मेन क्या मैं जानता हूँ तुम लोग इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखोगे और थोड़ा पता है सीन के अंदर देख रहा हूँ कि ना ऑफकोर्स भाई काले शीशे हैं, ठीक है, और एसी नहीं चल रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं। पर खिड़की खोलने के लिए भाई ये क्या है लीवर लॉक? इसमें काम अभी पूरा नहीं हुआ सच से, अभी इसमें और कुछ नया करने की सोच रहे हैं भाई। ये आप सही बोल रहे हो, मतलब ये खिड़की नीचे नहीं होगी? ये होगी भाई, इसका वो होगा ना यहाँ पे पड़ा तो था कुछ, ये इसको लगाने से हो जाएगी? हाँ नहीं इसे लगाने से। देख लो भाई यहाँ पे फुल गलत चल रहा है यार, इसको ऐसे लगाते हैं हम, अब देखते हैं। ओए हाँ ओए हो गई, ओए ओए रुको रुको, तो मतलब ऐसी मजा आता है अपने को है थोड़ा छोटे छोटे झगड़। बाकी आगे ठीक आने की प्लानिंग होगी आपकी? हाँ ठीक हो जाएगी, अभी इसमें थोड़ा काम रह रहा है कुछ, और हम कुछ अलग करना चाहते हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा चलो भाई आप गाड़ी को मोड़ लो। एट लास्ट अपन ने यही डिसाइड किया है कि यार अपन अपने डोर को ना ऐसे ओपन करके फिर घूमेंगे। हाँ तो भाई ये इसमें काफी खास बात है कि वैसे गाड़ी में क्या होता है कि अब मैं तो भूल भी, हाँ इधर से ये पूरी खुलती है ऑफकोर्स। अरे वहाँ देख लो भाई दोनों साइडों से अपन ने यार ये गेट खोल दिया है, भाई बोल रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी चल सकते हैं। हाँ ऐसे चल देख लो भाई एसी खराब भी है तो क्या दिक्कत है भाई, हवा नेचुरल आ रही है। और ऐसे लोगों को देखने में बाहर भाई पब्लिक रिएक्शन बहुत मजा। आओ एक काम करते हैं आगे मार्केट सी लगी है ना उधर पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, उधर से पार दो आप, चलिए आई गाड़ी चली नहीं जाएगी उधर बहुत जाम है। मतलब बहुत जाम है आदमी के लिए करने के लिए? चलो कोई नहीं यहाँ से लेफ्ट ले लो। देख लो भाई अभी अपन नोएडा के शाहदरा में है, ठीक है, ये शाहदरा नोएडा वाला है। और देख लो भाई मतलब यहाँ पे मुझे पक्का लग रहा है, देखो जैसे आगे से ताऊ भी देख रहे हैं अपने और काफी तगड़े तगड़े रिएक्शन मिलने वाले हैं भाई, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसी गाड़ी किसी ने देखी नहीं है ना यार। देख लो देखो भाई जैसे भाई ने गाड़ी को भगा लिया मेन रोड पे, क्या बात है यार। और अभी थोड़ा शाम का वक्त हो रहा है तो मैनेज कर लेना हल्का हल्का, लेकिन कितनी सही लग रही है। और ये देखो भाई अरे वाह सबकी नजरें इस तरफ ही हो रही है, देख रहे हो वो भाई तो अपना लगी लगा। तो भाई चलाने में कैसा कम्फर्ट है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत सही,
तो ये मतलब क्या मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं थी इंजन में आज तक? आज तक भाई ये 60-70 हज़ार ही चली हुई है। अच्छा। मैंने इसमें 60 हज़ार ये पेट्रोल पे चलाई थी। अच्छा। और जाके सीएनजी लगवाई मैंने। अच्छा अच्छा, तो कभी कोई दिक्कत आपने फेस नहीं? कोई दिक्कत फेस नहीं। अरे वाह, देख लो भाई यहाँ से कैसे रिक्शा वाले देखते जा रहे हैं। अरे भाई मतलब सच में अभी तो क्या है कि सड़क में थोड़े रोड लोग कम है, इसलिए मतलब उस तरीके की रिएक्शन तुम्हें देखनी, लेकिन तुम लोग भी अंदाजा लगा सकते हो भाई, क्योंकि अगर ऐसी गाड़ी अपन कहीं भी लेके जाए ऊपर से डोर्स खोल के तो भाई गलत ही रिएक्शन आने हैं, आने नहीं आ रहे, फुल गलत है। तो एक बार जरा भाई से पूछ लेते हैं ये भी, क्योंकि भाई अपने चाल के ना ये रीत है कि जरा मुझे बता दो इस गाड़ी के कुछ 3 नेगेटिव पॉइंट मारुति 800 के, जो आपको मतलब लगते कि यार नहीं थोड़ा 800 वाले इसको ठीक कर सकते थे। जैसे जैसे भाई 800 वाले इसमें क्या कर सकते थे, वैसे जो भी है बेस्ट है 800, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा मुझे लगा ही नहीं। मैं इसको ऐसे जगह का निकाल देता हूँ जहाँ का कोई गाड़ी नहीं निकल सकती चैलेंज धर के, क्योंकि मैंने इससे एक सॉकर लगवा के वो टेयर बड़े बड़े करवा ऊपर भी करवा रखी है ना, हाँ ऊपर करा रखे, इसलिए मैं कोई खड्डे या कोई खेत वेत में उसमें बढ़ा देता हूँ। अच्छा, आसानी से निकल जाती है। बाकी देखते भाई ये अपनी 800 ऑल्ट्रो सब पहाड़ों में बहुत आराम चलती है। हाँ जी भाई, कभी ले गए हो? भाई ले तो नहीं गए, पर एक को लड़के ने चैलेंज दे दिया था, वो कह रहा था मेरी 800 से टक्कर ले रहे, तो मैंने कहा भाई एक काम कर मनाली चल ले। हाँ। जिसकी 800 दिक्कत कर जाए वो सारा खर्चा दे। तो क्या हुआ फिर? फिर उसने मना कर दिया, भाई नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे लोग चैलेंज भी देते रहते हैं? हाँ, मैंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने कहा अपनी सेनी पर भरोसा है। अरे वाह, तो भाई आप जरा बता दो कि आप अपनी इस गाड़ी से लोगों को क्या चैलेंज दे रहे हो, जरा आओ बाहर निकल के बात करते हैं। सिस्टम वगैरह है इसमें? सिस्टम भाई खराब हो रहा है। सिस्टम खराब हो रहा है? हाँ से ना इस गाड़ी को उठवा भी रखा है। हाँ, तो सस्पेंशन कौन से लगवाए हैं आपने? सस्पेंशन भाई उसके वैगनार के। अच्छा, वैगनार के लगवा रखे हैं। बाकी यार आप कुछ लास्ट में, अब वीडियो के आखिरी चरण में हम कुछ चैलेंज वगैरह दे रहे हो लोगों को कि कुछ चैलेंज, वही वाला चैलेंज जो आपने पहले कहा था? कोई सब दे लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, कोई भी तुम्हें यार दिल्ली NCR NCR वाले भाई चैलेंज दे रहे हैं, कोई कुछ भी करा ले तो उससे मैं मुझे मतलब इस डेट से पहले पहले तक होना चाहिए काम पूरा, ऐसी होनी चाहिए। तो ये कुछ मामला, बाकी देख लो भाई वहाँ से अपने एक भाई भी देख रहे हैं, कैसी लग रही गाड़ी? मस्त लग रही है भाई, मैं कह रहा हूँ हर किसी को ही मस्त लगती है यार, ये पूछने वाली बात ही नहीं इस गाड़ी पे। तो इधर आओ, इधर आओ, क्या बोल रहे हो? गाड़ी की लुक भाई ने सच में कुछ बेहतर ही नहीं कर रखी है। बाकी आओ यार इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना। सबसे मेन चीज क्या है कि भाई इस वीडियो को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, अपने हर फैमिली मेंबर्स तक, अपने हर दोस्तों पे पहुंचाओ कि देखो भाई 800 पे कुछ ऐसा काम भी हो रहा है, कुछ ऐसे फ्लाइंग डोज भी लग रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने NCR में। चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, देख लो भाई, भाई तो अभी अभी भी खुश है, अभी भी देख ही रहे हैं गाड़ी को। और भाई आगे मतलब प्लानिंग्स है अपनी और भी इस गाड़ी को चेंज करने और की? कुछ अलग दिखाएंगे, जैसे खिड़की कराई थी ऐसे कुछ अलग दिखाएंगे। अरे मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दिमाग में, बहुत कुछ है, ठीक है, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर कॉपी करेंगे लोग। नहीं बात तो ठीक है। और बाकी यार अगर तुम्हें भाई को कुछ भी सजेशन देना है तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार इस गाड़ी में और ऐसी क्या अपन मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है भाई, कमेंट चेक कर लेना। आपको बहुत सारे लोग बंदे मतलब मेरे चैनल पर ना भाई, खास बात ये कि यार मेरे चैनल पर जितने बंदे देखते हैं काफ़ी बंदे मतलब नॉलेज वाले भी हैं जो आपको अच्छा सजेशन दे देंगे, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करना, ठीक है भाई। तो इसी बात पे भाई तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करना है, शेयर करना है, तो चलो वीडियो पे एंड करते हैं। आओ भाई, तो यार मैं भी तब से एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।